हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज मैं फिर एक बार नोटिस लेकर आ चुका हूँ वैसे कैंडिडेट जिनके आईटीआई जो पास है और अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोच रहे थे, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और एक कंपनी है जिन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है, भारत सरकार की कंपनी है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा कि फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी जानकारी मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहली बात, जिस कंपनी है ये, इसका नाम है IREL इंडिया लिमिटेड, और इसका पहले जो नाम था इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। और ये किसका शाखा है, ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का अंडरटेकिंग है, ठीक है। और ये आपका उड़ीसा की तरफ से, मतलब उड़ीसा में इनका यहाँ पर यूनिट है, वहाँ से इनका वैकेंसी रिलीज हुआ है। और ये आपका लास्ट डेट इसका 9/9/2019 है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22, मानी 22 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ईयर 2019-2020 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ठीक है। तो ये तो आपका रह गया कंपनी, जिस कंपनी की तरफ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में रिलीज किया है। तो यहाँ पर तीन कैंडिडेट के लिए, एक तो जो बीटेक किए उनके लिए, जो डिप्लोमा किए उनके लिए, जो आईटी की उनके लिए। तो मैं मेनली रूप से आईटी वालों के लिए बात करूँगा। तो आईटी वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका फीटर का 15 सीट है, इलेक्ट्रिशियन का 12 है, मशीनिस्ट का 1 है, एमएमबी का 1 है, टर्नर का 1 है, पेंटर का 2 है, प्लम्बर का 2 है, वेल्डर का 4 है, कोपा का 5 है। और सभी जो है आपका 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप कराएगी, ठीक है। ये आपका सीट है और स्टाइपेंड आपका अप्रेंटिसशिप जो रूल है 1992 ये यहाँ पे लिखे हुआ है के तहत ये आपको पेमेंट करेगा। तो जैसे कि ग्रेजुएशन के लिए तो मैंने बताया वो बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन के लिए, और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है वो आईटीए वाले अप्लाई करेंगे। आईटीए आपका एनसीबीटी एससीबीटी है, कोई इशू नहीं है, दोनों वाले अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका मेरिट लिस्ट पे बनेगा, आपका मेरिट लिस्ट इस पर रिलीज किया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, वेबसाइट पे रिलीज होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। चलिए, और इसका अप्लाई किस तरह करना है, तो चलिए मैं आपको अप्लाई बता देता हूँ। आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है और 9/9 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है इस एड्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको भेजना है 9/9/2019 से पहले, ठीक है। और चलिए इसका मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेट। देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट ये आपका इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो फ्रेंड ये रहा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज, और फीस इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, फीस 0 है। तो वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय।